नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आज पार्ट टू है। कल हमने एक रफ आइडिया लिया था कि ट्रेडिंग करने के समय हम लोग क्या क्या देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टिप्स एंड इंफॉर्मेशंस व्यूज क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में मेनली द कैंडलस्टिक चार्ट। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल एनालिसिस में लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। आज हम थोड़ा सा ज्यादा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, कैसे फॉर्म होता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट अगर समझना है तो उससे पहले हमें लाइन चार्ट और बार चार्ट के ऊपर और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट और थोड़ा डिटेल्स में समझने का कोशिश करेंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। एक बार समझ में आ गया कि कौन सा चिड़िया का नाम है, तब हमें इसके ऊपर और भी पढ़ाई करने का मन आएगा। लेकिन इसको और भी डिटेल्स में स्टडी करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लाइन चार्ट हो, चाहे वो बार चार्ट हो या कैंडलस्टिक चार्ट्स हो, उसको हम कौन सा वेबसाइट से फ्रीली एक्सेस कर पाए। तो बेसिकली कोई अगर ट्रेडिंग कर रहा है ऑलरेडी, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा जीरोधा, फायर्स या ट्रेड जीनी, ट्रेड टाइगर्स, ऑल दिस मीन्स और डिफरेंट 5paisa.com, ICICI डायरेक्ट, कोटक एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड द चार्ट्स। लेकिन उसके लिए आपको उनके अंडर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जहाँ पे कुछ कुछ चार्जेबल्स होता है, कुछ कुछ फ्री ऑफ चार्जेस होता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा, जिन्होंने कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है उन लोगों को मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक्स पोर्टल्स को सब्सक्राइब कीजिए या वाई पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम देखेंगे जो फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट्स है वहाँ पे कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ताकि बिना कुछ खर्चा किए हम थोड़ा सा और भी चर्चा कर सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो मैं सजेस्ट करूंगा स्ट्रॉन्गली वो है tradingview.com। ये tradingview.com का जो फ्री साइट है उसमें हमें काफी फ्रीली एक्सेसिबल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, ऑसिलेटर्स हो या काफी कुछ। तो हमारे सीखने के लिए ये मोर देन सफिशियंट है। तो आइए देखते हैं, हम साइट पे जाते हैं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू जाने के लिए यहाँ पे आपको tradingview.com टाइप करना है और एंटर मार देना है। तो आपका यहाँ पे ऐसा एक कुछ पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे जाके आपको साइन इन करना है, जो मेरा अभी एक्चुअली ऑलरेडी साइन आउट हो चुका है, ऑलरेडी साइन इन किया है। आप यहाँ पे साइन इन करके आपके ईमेल एड्रेस डाल के उसको एक आपका लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट, ब्रोकर, ब्ला 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 बहुत सारी चीज आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चार्ट में आएंगे। चार्ट में आएंगे तो आपको इस टाइप का एक चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट रहेगा। अभी ये वॉच लिस्ट बोले तो डिफरेंट पेजेस जहां पे आपका जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है वहां पे लिख के रख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वॉच लिस्ट क्या है इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए हम आएंगे। लेकिन अभी हमारा जो काम है चार्ट को समझना, पहले लाइन चार्ट। यहाँ पे देखेंगे कि आपका
डिफरेंट टाइम फ्रेम से, डी फॉर डे, डब्ल्यू फॉर वीक, एम फॉर मंथ, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट, 3 मिनट, और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 आवर्स, 3 आवर्स, और भी कुछ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। व्हाट इट मींस, ये जो प्राइस कैप्चर करेगा एक जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम का प्राइस को कैप्चर कर रहा है। अगर यहाँ पे हम ये देंगे डी यानी डेली, तो ये जो कैंडल है ये 3rd जून का कैंडल है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 6th जून, यानी आज जो एक्टिविटी हुआ है एंटायर डे का एक्टिविटी। तो वैसा करके ये 2nd जून का एक्टिविटी हुआ यानी पूरा दिन का, ये 1st जून का, ये 31 मई का, ये 30 मई का, ये 27 मई का, ये हो गया डेली। अगर हम वीकली देखना चाहेंगे तो पूरा एक वीक का प्राइस एक्शन दिखेगा, यानी यहाँ पे देखिए 3rd मई लिखा हुआ है, यानी आपका ये 30 मई से 3rd जून वाला जो हफ्ता है, 5 वर्किंग डे जो है, उसमें 5 वर्किंग डे में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, ये हो गया आपका प्राइस। यहाँ पे अगर हम कर्सर रखेंगे तो आपका ऊपर में आपका प्राइस यहाँ पे देखिए, ओ ओ बोले तो ओपन, एज बोले तो हाई, एल बोले तो लो, एंड सी बोले तो क्लोज, यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज। कल हमने ये स्टडी किया था, चाहे वो बार चार्ट हो या कैंडलस्टिक चार्ट हो, उसका 4 कंपोनेंट जरूरी है, एक है ओपन, दूसरा वाला है हाई, तीसरा वाला है लो, एंड चौथा वाला है क्लोज। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर कर्सर को रखता हूं, ये क्या कैप्चर कर रहा है, पूरे हफ्ते का 30 मई से 3rd जून के 5 वर्किंग डेज का प्राइस एक्शंस यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एयू बैंक, ये आप भूल जाए, वो चाहे एयू बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूएसडी आईएनआर हो, या कुछ भी हो जाए, आपको वो सब देखना नहीं है, कुछ भी हो जाए, पहले हमारा काम क्या है कि कैंडल चार्ट क्या है, लाइन चार्ट क्या है, और बार चार्ट क्या है, वो समझने के लिए। तो वो समझने के लिए पहले हमें जो देखना था यहाँ पे कि आपका रोल ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आप कभी कभी क्या देखोगे कि मैं 15 मिनट का चार्ट का बात कर रहा हूँ, कभी मैं आवर्ली चार्ट का बात कर रहा हूँ, कभी मैं डेली चार्ट का बात कर रहा हूँ, कभी वीकली का बात कर रहा हूँ, कभी 1 मिनट का चार्ट का बात कर रहा हूँ। तो आपके मन में ये डाउट आना लाजमी है कि हमेशा ये टाइम फ्रेम क्यों बदलता है, टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस क्या है, उस टाइम में प्राइस कैसे मूव हुआ, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो आवरली हो, चाहे वो 30 मिनट्स का हो, जो भी हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो प्राइस है ये एक हफ्ते का एक्टिविटी है, और अभी जो ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका आज का एक्टिविटी है, यानी आज 6th ऑफ जून, 7th, 8th, 9th, 10th अभी बाकी है, और 4 दिन आना बाकी है, यानी ये कैंडल जो है 5 दिन का एक हफ्ता बनता है, उसमें से 1 दिन का एक्टिविटी हुआ है, और आने वाला 4 एक्टिविटी होने के बाद ये फ्राइडे को एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म होगा, एक कुछ ग्रीन कैंडल भी हो सकता है या रेड कैंडल भी हो सकता है। वही चीज ये हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है, पिछले हफ्ते का पूरा एक्टिविटी को कैप्चर किया। रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज नीचे होगा, ब्लू कैंडल है तो ओपन नीचे होगा एंड क्लोज ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन कहाँ पे है, 1318.10 अभी मैं साइड में रख रहा हूं, नहीं तो इतना स्पेसिफिक बोलेंगे तो बार बार वो फोकस या अटेंशन डिस्टर्ब होगा। तो आप देखो कि 1318 में ओपन हुआ और क्लोज किधर हुआ, लास्ट वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये वाला आपका 1262.80 में छोड़ देता हूँ।
यानी 13-18 पे ओपन हुआ और क्लोज दिया 12-62 पे, यानी आपका 38, 48, 56 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ है ओपन एंड क्लोज के बीच में इस हफ्ते में। लेकिन उस हफ्ते में हाई कितना मारा है 1337 और लो कितना मारा है 1229। मैं पॉइंट एक्सक्लूड कर रहा हूं अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो जब ये ओपन आया यहाँ पे लेकिन हाई मारा यहाँ तक, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया, उसके बाद क्या क्या ये जी सेल हो गया, सेल होते 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 यहाँ तक आया 12-29 तक आया, 1229 तक आया, लेकिन वहां पर भी रुका नहीं। फिर थोड़ा सा बाइंग आया एंड यहाँ पे क्लोज दिया, क्लोज कहाँ पे दिया 1262 पे। ये हो गया पूरा का पूरा वीकली एक्टिविटी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओपन क्या था 1287 पे हुआ था, क्लोज दिया कहाँ पे 1389, यानी 102 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया। तो ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है, तो आपका क्या हो गया, ये एक बुलिश कैंडल हो गया। बायर्स ओपन नीचे था एंड क्लोज ऊपर था। एंड उस हफ्ते में लो कितना तक मारा, लो मारा है 12-72 तक, एंड हाई कितना मारा, हाई मारा 14-5 तक। तो ये जो कैंडल चार्ट है इसको इस हफ्ते का, ये वाला हफ्ते का यानी 4 अप्रैल से 4, 5, 6, 7, 8 अप्रैल 5 दिन तक का आपका, 5 दिन का एक्टिविटीज यहाँ पे कैप्चर हुआ है। तो यहाँ पे हमने फिर क्या क्या डेटा लिया, चार डेटा लिया, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ और हाई कितना तक गया और लो कितना तक गया। अगर ओपन नीचे हुआ एंड क्लोज ऊपर हुआ तो एक बाइंग कैंडल आया है यानी ग्रीन कैंडल आया है। अगर ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे दिया तो एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ एंड उसमें यानी बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ। ये रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल का एक जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, ये यहाँ पे आप इसको ब्लैक, रेड को ब्लैक कर सकते हो और आपका ब्लू को आप और कुछ कलर भी कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से, ग्रीन कर सकते हो और अदर कलर्स कर सकते हो। तो क्या है कि बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हम प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल था, ग्रीन कैंडल था। तो यहाँ पे ओपन देखिए, ओपन कहाँ पे हुआ 1068 पे यानी 1068 पे, क्लोज कहाँ पे हुआ आपका 1193, यानी आपका ये हो गया 125 पॉइंट्स का एक ऊपर क्लोज दिया। तो इसके लिए एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म हुआ। और नीचे कहाँ तक, नीचे थोड़ा सा इतना सा मूवमेंट हुआ और ऊपर में भी इतना सा मूवमेंट हुआ। उससे पहले वाला कैंडल कैसा गया, उससे पहले वाला कैंडल में आप देखिए ओपन कहाँ पे हुआ आपका 12:28 पे ओपन हुआ एंड क्लोज दिया 11:25 पे, यानी 103 पॉइंट का नीचे गिरावट या सेलिंग हुआ है, इसीलिए एक रेड कैंडल हुआ। उसके बाद वाला एक कैंडल देखोगे कि एक हथौड़े के तरह है, हेमाज, जैसे हम कुछ कील उल ठोकने के लिए हथौड़ा लेके और नेल को मीन्स उसको हिट करते हैं ताकि वो मीन्स जगह पे जहां पे हम फिक्स करना चाहते हैं फिक्स हो जाए, वैसा ही एक हथौड़ा टाइप का है, इसको हेमार बोलते हैं। वैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स का क्लासिफिकेशन है जो हम आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप प्राइस को देखिए कहाँ पे ओपन हुआ, ओपन हुआ आपका 11:95 पे, 0.90 में छोड़ रहा हूं अभी। उसके बाद क्लोज कहाँ पे दिया 11:63 पे, यानी 32 पॉइंट्स का नीचे क्लोज दिया। लेकिन लो देखिए 1076 पे यानी 1076 पे लो मारा, यानी आप देखिए ओपन यहाँ पे आया क्लोज यहाँ पे दिया, लेकिन क्लोज होने से पहले सेलर ने क्या किया, यहाँ तक लेके आया था, यहाँ तक सेलर ने लेके आया था ड्यूरिंग दैट वीकली पीरियड। लेकिन
सेलर यहां तक सेल किया, उसके बाद बायर ने फिर बाई करना चालू किया, बाई करना चालू किया उसके बाद यहाँ पे जाके क्लोज करवाया। यानी ये पार्टिकुलर जो एरिया है इसको हम लोअर विंग्स बोलेंगे, नीचे के तरफ जो है उसको लोअर विंग्स बोलेंगे और ऊपर के तरफ जो रहता है उसको हम अपर विंग्स बोलेंगे। जैसे मोमबत्ती में विक्स होते हैं वैसा ही ये कैंडल का विक्स है, लोअर विक्स एंड अपर विक्स, WICK विक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे तक आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सेलर ने तो बेच बेच के यहाँ तक लेके आया, लेकिन यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद बायर ने क्या किया, बाई करके इसको ऊपर लेके गया, काफी ज्यादा ऊपर लेने लेके यहाँ पे जाके उसको क्लोज करवाया, यानी 11:63 पे ओपन करवाया, क्लोज करवाया। सिंस ओपन 95 में है, क्लोज 63 पे है, तो ओपन हाई हुआ एंड क्लोज नीचे हुआ, तो रेड कैंडल हुआ। अगर ये क्लोज अगर 11:95 के ऊपर हो जाता, मान लीजिए 12:10 में होता या 12:50 में होता, तो ये रेड कैंडल नहीं होके ग्रीन कैंडल हो जाता। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट है, अभी हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बता रहे थे, एक एक कैंडल एक एक वीक्स का है। अगर हम यहाँ पे एम डालेंगे तो ये मंथली, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक कैंडल एक एक महीने के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कर्सर रखेंगे तो नीचे दिखाएगा May 22, यानी ये जो पूरा कैंडल है ये मई महीने का प्राइस एक्शन से, कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज दिया, हाई कितना मारा लो कितना मारा। यहाँ पे अगर हम प्राइस कर्सर को रखेंगे तो नीचे देखिए April 22, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे दिया, हाई कितना मारा और लो कितना मारा, इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखिए जब आपको यहाँ पे देखेंगे आपको रेड कैंडल यानी ओपन ऊपर हुआ क्लोज नीचे दिया, ब्लू कैंडल यानी ओपन नीचे हुआ एंड क्लोज ऊपर दिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, बायर ज्यादा था सेलर से, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ज्यादा था बायर से, यहाँ पे क्या था, बायर ज्यादा था सेलर से, यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ, सेलर ज्यादा था इसीलिए रेड कैंडल हो गया, यहाँ पे देखिए ओवरऑल बायर ज्यादा था इसीलिए ब्लू कैंडल हो गया या ग्रीन कैंडल हो गया। तो ये जो है मंथली एक्टिविटीज है, मंथली में यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ओपन कहाँ पे था, मई महीने का ओपनिंग यानी पहला फर्स्ट डे का जो ट्रेडिंग था, फर्स्ट में छुट्टी था, सेकंड में का जो ओपनिंग कहाँ पे था आपका 1382 में ओपन हुआ। देखिए ऊपर देखिए आपका यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज, तो ओपे लिखा, ओपे कितना फिगर है 1382, यानी ओपन कहाँ पे दिया 1382 पे ओपन दिया, हाई कितना मारा 1394 में, लो कितना मारा 1216 पे मारा एंड क्लोज कहाँ पे दिया 1251 पे। यानी आप देखो यहाँ पे जो पूरा महीने में कितना 1382 से 1216 तक यानी 172 पॉइंट का एक नीचे क्लोज दिया ओपनिंग से, यानी ये पूरा महीने का एक्टिविटी था। इसी मई महीने का अगर हम वीकली में डालेंगे तो आप देखोगे कि आपका ये पहला वाला हफ्ता मई का, ये दूसरा वाला हफ्ता, ये तीसरा वाला हफ्ता, यहाँ पे 5 हफ्ता था क्या वो मई महीने में, 1 2 3 4, वो 30th एंड 31st 2 दिन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आपका जून का भी कुछ एक्टिविटीज आया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो महीना है यहाँ पे उसी मंथली कैंडल, ये वाला कैंडल को हम अगर वीकली में डालेंगे तो ये 5 कैंडल का कॉम्बिनेशंस यानी 5 हफ्ते में कैसे प्राइस एक्शंस बिहेव किया, उसका अलग अलग हफ्ते का अलग अलग एक्टिविटी, इसी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, एक महीने का हो गया।
ये वाला उसी हफ्ता का है, मीन्स लास्ट वीक का है। इसको अगर हम डेली में डालेंगे तो आप देखो के पिछले हफ्ते का 5 दिन का, 30th में, 31st में, 1st जून, 2nd जून एंड 3rd जून, ये 5 दिन मिलके आपका वो वाला पूरा का पूरा हफ्ता का एक्टिविटी हुआ। यानी यहाँ पे टाइम फ्रेम एक एक कैंडल एक एक दिन का रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम जाएंगे उसको अगर हम आवरली में डालेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका एक एक घंटे का एक्टिविटीज है। यानी एक एक घंटे में ये देखोगे नीचे 6 जून 9:15, यानी 6 जून 9:15 से 10:15 एक घंटे का एक्टिविटी। यहाँ पे रेड कैंडल का मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा था, ओपन ऊपर हुआ क्लोज नीचे दिया। तो यहाँ पे ओपन कहाँ पे था, ओपन आपका था 12:1267 पे एंड क्लोज कहाँ पे दिया 1261, यानी आपका करीबन 6 रुपये का सेल ऑफ आया एक घंटे का। उसके बाद 10:15 से 11:15 का जो प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ओपन कहाँ पे हुआ 12:61 पे एंड क्लोज दिया 12:67 पे, यानी 6 रुपये का अप मूव दिया। कलर है तो ऑटोमेटिक आपको डिसाइड करने का जरूरत नहीं है कि ये बायर ज्यादा था या सेलर ज्यादा था, ये ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का आ गया तो ये बायर यहाँ पे ज्यादा था, रेड कलर का हो गया तो सेलर ज्यादा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10:15 से 11:15 का एक घंटे का हुआ। फिर ये क्या हुआ, 11:15 से 12:15 का एक घंटे का एक्टिविटी हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 12:15 से 1:15 का हुआ, ये क्या हुआ 1:15 से 2:15 का एक्टिविटी हुआ, ये क्या हुआ 2:15 से 3:15 का एक्टिविटी हुआ। उसके बाद हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज दे देता है, तो ये आपका 3:15 से 3:30, यानी 15 मिनट का एक एक्टिविटी, लेकिन ये टाइम फ्रेम आवर्ली है तो ये आवर्ली कैंडल के हिसाब से दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक एक घंटे का एक्टिविटीज। यहाँ पे अगर आप रेड कैंडल देखोगे, यानी देखोगे कितना बड़े कैंडल से, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा था, यहाँ पे बायर ज्यादा था, यहाँ पे सेलर ज्यादा था, यहाँ पे छोटा बॉडी, छोटा बॉडी का मतलब क्या है, ओपन एंड क्लोज एकदम नियर बाई है। देखो ओपन कहाँ पे था, इस पार्टिकुलर कैंडल पे जहां पे मैंने कर्सर रखा वहां पे आपका 12:72.20 पे ओपन था, क्लोज कहाँ पे हुआ 12:72.00, यानी मेन जो बॉडी है ओपन एंड क्लोज का लेके सिर्फ 20 पैसे का है। मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी यही है जो ओपन एंड क्लोज के बीच में जो पार्ट है उसी को मेन बॉडी बोलते हैं। यानी ये रेड कैंडल है तो ओपन यहाँ पे आया, क्लोज यहाँ पे आया, तो ये वाला जो ओपन एंड क्लोज के बीच का जो है उसको मेन बॉडी बोलते हैं, यहाँ पर भी इसको मेन बॉडी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे उसका अपर वीक और लोअर वीक लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, दिन भर में ये हाई इतना तक मारा और लो इतना तक मारा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज हो गया यहां से यहां तक। कैंडल का रेंज बोलेंगे तो हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोलेंगे, अगर बॉडी बोलेंगे तो सिर्फ ओपन एंड क्लोज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बॉडी बोलेंगे, मेन बॉडी। तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे अगर मेन बॉडी बोलेंगे तो ओपन एंड क्लोज के बीच का, ओपन कहाँ पे 1309.80, क्लोज 1284.85, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 15 और 9 24, करीबन 25 रुपए का, अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए का बॉडी है। लेकिन रेंज बोलेंगे तो क्या लेंगे, हाई का लेंगे, हाई किधर है 1320.55 और लो किधर है 1283, यानी आपका 20 और 17, करीबन 37 रुपीस का एक रेंज हुआ। एक कैंडल का रेंज 37 रुपीस का है, लेकिन बॉडी कितने का है, बॉडी है आपका
16 and 10 26 रुपए का करीबन, 25 से 26 रुपए का एक रेंज है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, मेन बॉडी क्या है और रेंज क्या है। बॉडी ऑफ द कैंडल, और हमने सीखा रेंज ऑफ द कैंडल। रेंज ऑफ द कैंडल, रेंज ऑफ द कैंडल यानी पूरा हाई से लो तक का। बॉडी ऑफ द कैंडल ओपन एंड लो के बीच में जो है, अगर बियर कैंडल है तो ऊपर से नीचे ये वाला, अगर बुल कैंडल है ओपन नीचे है, हाई क्लोज ऊपर है तो नीचे से ऊपर, ये वाला जो रेंज है मेन बॉडी है। ये हो गया आपका आवर्ली। इसी आवर्ली को हम 30 मिनट्स में देख सकते हैं। वही आपका मार्केट आज 6 तारीख का, हाँ 6 जून का, ये देखिए ये 6 जून 9:15 का कैंडल है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम क्या है, 30 मिनट्स का। यानी 30 मिनट्स में क्या रेंज बनाया, कैसा कैंडल फॉर्म हुआ। उससे पहले हमने देखा तो हमने ये देखा, ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल 1 घंटे का कैंडल था, ये भी कैंडल है और ये भी कैंडल है, लेकिन अंतर क्या है, टाइम फ्रेम। ये आधे घंटे में क्या एक्टिविटी किया और ये वाला 1 घंटे में क्या क्या एक्टिविटी किया। ये यहां पे क्या दिखा रहा है, 1 घंटे का एक्टिविटी दिखा रहा है, और हम 30 मिनट्स में जाएंगे तो ये 30 मिनट्स का एक्टिविटी आपको दिखाएगा। 30 मिनट्स का एक्टिविटी यहाँ पे, तो ये सब कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब मैं आने वाले दिन में छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो आज सिर्फ टाइम फ्रेम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 30 मिनट्स का एक्टिविटी क्या हुआ, पर उसी का अगर हम 15 मिनट में डालेंगे तो आप, ये है 9:15 का पहला 15 मिनट का एक्टिविटी, ये दूसरा 15 मिनट का एक्टिविटी। इंस्ट्रूमेंट वही है लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग हो रहा है। हम जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे उसका जो उस टाइम पीरियड का कैसा एक्टिविटी किया वो रिप्रेजेंट करेगा। इसी को अगर हम 5 मिनट में डालेंगे तो आप देखोगे ये आपका ये आया पहला 5 मिनट का एक्टिविटी, ये दूसरा 5 मिनट का एक्टिविटी। अगर उसी को अगर हम 3 मिनट का करेंगे तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा आपका, ये पहला 3 मिनट का एक्टिविटी। यानी ये 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, ये क्या है, एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम के बीच में क्या एक्टिविटी किया, ओपन क्या था, लो क्या था, हाई क्या था एंड क्लोज किधर दिया, 4 इंफॉर्मेशन। तो जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड का, तो वो हो गया पूरा का पूरा साल का जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, यानी एक साल का जो कैंडल हो जाएगा वो पूरा साल का कैंडल हो जाएगा कि मेरे को ये सिलेबस पढ़ना है, मैथ्स में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायोलॉजी में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है, हिंदी में ये करना है, मराठी में ये करना है, पूरा साल का। उसी को अगर मान लीजिए जैसे अगर वो हाफ ईयरली पे एग्जाम लेते हैं तो वही एक साल का सिलेबस को 6-6 महीने का सिलेबस में डिवाइड कर जाएगा। अगर ये क्वार्टरली एग्जाम होता है तो 3-3 महीने का सिलेबस डिवाइड हो जाएगा और 3-3 महीने का सिलेबस के हिसाब से टेस्ट होगा, यानी पिछले 3 महीने में क्या पढ़ाया है उसके ऊपर टेस्ट लिया जाएगा, फिर आने वाला 3 महीने का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सिलेबस पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट लिया जाएगा वो 3 महीने का। अगर वो मंथली टेस्ट है तो मंथली में जो जो पढ़ाया गया है वो सिलेबस, मैथ्स में क्या पढ़ाया,
साइंस में क्या पढ़ाया, फिजिक्स में क्या पढ़ाया, ऐसा करके पूरा महीने का क्या पढ़ाया उसके एक्टिविटी के ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो वीकली टेस्ट है तो क्या होगा, पूरा हफ्ते में क्या क्या पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है। यही टाइम फ्रेम ये टेक्निकल एनालिसिस में भी है, क्या है कि एक महीने में क्या एक्टिविटी हुआ, ओपन कहाँ पे हुआ। ओपन कहाँ पे हुआ, हाई कितना मारा, लो कितना मारा, या क्लोज कितना दिया पूरा महीने का। उसी को अगर हम वीकली में डालेंगे तो उस हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटी हुआ। उसी को अगर हम डेली में डालेंगे तो एक दिन में क्या क्या पढ़ाया। उसी को अकॉर्डिंगली एक घंटा, एक घंटे का एक्टिविटी, 15 मिनट का एक्टिविटी, 5 मिनट का एक्टिविटी, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस हम देख चुके हैं। ये हो गया कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में क्या हुआ, कैंडल चार्ट में चार इंफॉर्मेशन है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। उसी चार इंफॉर्मेशन को लेके कैंडल के जगह पे बार चार्ट भी होता है। यहाँ पे बार चार्ट ऊपर का है, माय मिस्टेक। वही चीज आप 5 मिनट में बार, एक एक ये बार बोलते हैं, वो फ्राइडे में जाने वाला बार नहीं है। फ्राइडे जब काम खत्म होने के बाद शाम को बाटली खोल के जो बार है, या दोस्तों के साथ कभी मिल के बार में चले जाना, वो वाला बार नहीं है। ये है प्राइस सेक्शन का बार। ये जो भी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, हाई कहाँ पे हुआ, या लो कहाँ पे हुआ, ये वाला एक बार है। अगर ग्रीन है तो समझ लेना कि प्राइस ऊपर गया है, रेड है तो समझ लेना प्राइस नीचे आया। लेफ्ट साइड का जो छोटा सा एक डंडा है वो ओपन वाला है, और राइट साइड का जो एक छोटा सा डंडा है वो क्लोज दिया, उसके बाद ऊपर का हाई नीचे का लो। वही चीज जो हम कैंडल स्टिक में देख रहे थे। कैंडल स्टिक हमने बताया कि ये आपका थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी है, यानी हमारा जो विजुअल्स है वो बेटर आता है। ये हमारा बार में इतना बढ़िया विजुअल्स नहीं आता है, इसीलिए ये जो कैंडल चार्ट का क्रेडिट सर स्टीव निसन को दिया जाता है, जिन्होंने ये जो जापानीज स्ट्रेटेजी है, लर्निंग से, लेसन से, जापानीज लैंग्वेज में किताबें लिखा गया था, और उनको जापानी लैंग्वेज आता नहीं था, तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर्स लिया, वो जापानीज किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसके बाद ध्यान से पढ़ा, उसके बाद खुद ने स्टडी किया और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताया कि ऐसा एक स्टडी है। तो अगर स्टीव निशन ये काम नहीं करते तो शायद हम अभी भी इस टाइप का काम में ही पड़े रहते। बार चार्ट, यही बार चार्ट 5 मिनट का है, चाहे वो 15 मिनट का है या 30 मिनट का है, एक घंटे का है, या आवरली, डेली का है, कुछ भी है। यानी ये जो एक एक टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, आप कौन सा टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम का ये बार चार्ट है। बार चार्ट हो या कैंडल चार्ट हो, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार इंफॉर्मेशन से ये प्राइस बनता है। अभी हम थोड़ा सा और भी मान लीजिए, ओपन यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कैसे फॉर्म होता है। ओपन यहाँ पे हुआ और मान लीजिए क्लोज यहाँ पे हुआ, ये वाला पॉइंट। लेकिन ये तो ओपन क्लोज हो गया, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन रहता कि लो कितना मारा और हाई कितना मारा। तो आपका ये हो गया हाई,
और आपका ये हो गया लो। अभी इसी को जब हम बार चार्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, हम हाई एंड लो का एक डंडा खींच देंगे। ये हो गया कैंडल का रेंज और ओपन का जो छोटा सा डंडा है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो आपका ये ओपन वाला बार चार्ट में लेफ्ट साइड में ओपन को सिग्निफाई करता है और राइट साइड में क्लोज को। तो राइट साइड में यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टिक करेंगे, लेकिन कोई क्या लेवल का होगा, ये वाला पॉइंट पे होगा, यानी आपका ये क्लोज दे दिया। ये ओपन, ये क्लोज, ये हाई एंड ये लो, ये हो गया आपका बार चार्ट। ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा कलर, ये कलर हो जाएगा ग्रीन। तो हम इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें हर एक बार ये देखना ना पाए ओपन किधर है एंड क्लोज किधर है। ये हो गया बार चार्ट। अगर इसी को अगर हमें कैंडल चार्ट बनाना है तो क्या हो गया, ओपन एंड क्लोज का एक मेन बॉडी होगा, यानी ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक एक मेन बॉडी हो गया। दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हाई वाला विक्स और ये आपका लो वाला विक्स। ये ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो ये आपका हो गया ग्रीन कैंडल्स। अगर इसका उल्टा हो तो ओपन ऊपर होता और नीचे ये होता, तो ये क्या हो जाता, आपका रेड कलर का हो जाता। एंड दैट विल रिप्रेजेंट कि यहाँ पे सेलर ज्यादा हुआ। अभी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ पे बायर ज्यादा हो गया। तो ये हो गया आपका बार चार्ट एंड कैंडल कैंडल चार्ट और द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ये बेसिक्स में अगर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये आपका बाद में जाके अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो अभी लाइन चार्ट कैसे बनते हैं, बार चार्ट और कैंडल चार्ट में ओपन, क्लोज, हाई एंड लो चार इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन लाइन चार्ट में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होता है। क्या इंफॉर्मेशन, वो है क्लोज का। यानी यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे क्लोज राइट वाला है तो एक क्लोज से दूसरा क्लोज, यहाँ पे एक क्लोज था और ये वाला एक क्लोज था, तो हम लाइन चार्ट खींचेंगे तो ऐसा एक लाइन चार्ट खींचेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते। उसके बाद का क्लोज यहाँ पे आया तो क्या होगा, ये आपका इधर आएगा। मैं इसको ब्लैक कर देता हूं लाइन चार्ट को। उसके बाद का क्लोज कहां पे हुआ, यहां पे आया, तो ये इसको अगर हम ये क्लोज से ये क्लोज को ज्वाइन करेंगे तो ये क्लोज का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्लोज कहां पे हुआ, यहां पे हुआ, तो हम इस क्लोज से इस क्लोज को खींचेंगे तो ये एक लाइन चार्ट हो गया। अगर उसके बाद वाले के साथ ये वाला करना है तो यहाँ पे क्लोज कौन सा है, लेफ्ट वाला है या राइट वाला है, राइट वाला है, तो हम इस यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ये एक हो गया। उससे पहले के साथ करना है तो आपका ये हो गया। यानी लाइन चार्ट क्या हो गया, उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितने भी क्लोजिंग प्राइसेस है, जितना भी क्लोजिंग प्राइसेस है उसको हमें ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन चार्ट हो जाएगा, देखिए समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। तो लाइन चार्ट पे क्या इंफॉर्मेशन है, ओनली क्लोजिंग प्राइस, वेयर एज बार चार्ट एंड बार चार्ट एंड कैंडल चार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, चार चार इंफॉर्मेशन है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोज
प्राइस को ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे ड्यूरिंग दैट पार्टिकुलर टाइम फ्रेम कितना हाई हुआ, कितना लो हुआ, ओपन किधर हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी ये एक वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज वन डायमेंशनल, बार चार्ट इज टू डायमेंशनल, एंड कैंडल चार्ट इज थ्री डायमेंशनल। आगे जाके अगर हम वॉल्यूम चार्ट देखेंगे तो और थोड़ा सा एक दूसरा पर्सपेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लाइन चार्ट है उसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन है, ओपन किधर हुआ, हाई कितना मारा, लो कितना मारा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, बार कैंडल, हॉलो कैंडल, लाइन कैंडल, आइकन अशी, रेंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर, रेंज, ऑल दिस थिंग्स इंफॉर्मेशन है। हमें इतना जानकारी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कैंडल चार्ट को देखेंगे। इसी को अगर हम कैंडल डालेंगे तो ऐसा, इसी को अगर हम लाइन करेंगे तो ये लाइन, जहां जहां हमने लाइन खींचा था देखिए उसके तहत जेलअप हो गया। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस, टाइम फ्रेम कौन सा है, अगर डेली है तो डेली का क्लोजिंग प्राइस, अगर इसका आवरली का है तो आवरली बेसिस पे कहाँ कहाँ क्लोज दिया उसका इंफॉर्मेशन है। अगर ये 15 मिनट का है तो 15 मिनट में कहाँ कहाँ कैसा कैसा एक्टिविटी हुआ उसका इंफॉर्मेशन है। इसको अगर हम यहाँ पे जाके बार चार्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन थोड़ा बेटर है। अगर यहाँ पे हम कैंडल चार्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन और थोड़ा बेटर है, थ्री डायमेंशनल, यानी इसका पिक्चर थोड़ा सा बेटर हो जाता है, यानी प्राइस ने क्या क्या एक्टिविटी किया उसका इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बेटर वे में होता है। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि प्राइस पास्ट में कैसे बिहेव किया उसका एनालिसिस, एंड आने वाले दिन में एक प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, वही टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का अगर हम चाहे तो लाइन चार्ट में कर सकते हैं, बार चार्ट में कर सकते हैं, कैंडल चार्ट में कर सकते हैं, कोई चाहे तो हाइकेनशी में कर सकते हैं, रेंको में, पॉइंट एंड फिगर में, ऐसा अपना अपना कर सकते हैं। वही फिगर अगर आप पॉइंट एंड फिगर में डालेंगे इस टाइप का एक इंफॉर्मेशन आएगा, वो भी इंफॉर्मेशन ही है। इसको अगर हम है क्या नशी डालेंगे तो इस टाइप का एक कैंडल आएगा, ये भी कैंडल है लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इसको अगर हम रेंको में डालेंगे तो ऐसा ब्लॉक ब्लॉक टाइप का आएगा, ब्रिक टाइप का आएगा। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैंडल डालेंगे तो ये कैंडल चार्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि पिछले ये पहले कैसे कहाँ पे आया है। आने वाले दिन में हम धीरे धीरे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैरेलल लाइन, चैनल्स, ऑल दीज थिंग्स हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो आप लोग बेसिक से चालू कर रहे हैं, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपका ये आने आने वाले दिन में जब हम थोड़ा सा और भी ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैंडल चार्ट टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस में सेकेंड पार्ट में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।